तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हिमालया लीफ 52 डीएस टैबलेट के बारे में, जिसमें टोटल 60 टैबलेट होते हैं। और इसका प्राइस मैं बताना नहीं चाहता, प्राइस वैसे आप मेंशन कर दिया है मैंने, आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे किसे यूज़ करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसे किस बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं और वो कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और हाँ, आप लोग के इतने सारे सवाल लीफ 52 डीएस से रिलेटेड, ये सारे आज ही के इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो लीफ 52 डीएस जो टैबलेट है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है चिकोरी एंड कैपरबुश। अब ये चिकोरी और कैपरबुश होता गया, ये मेन कंपोनेंट है, और भी कंपोनेंट मिलते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये मेन कंपोनेंट है। तो जो चिकोरी होता है ये क्या करता है कि लीवर को हमारे जो अल्कोहल टॉक्सिसिटी होता है उससे बचाता है। मतलब कि चिकोरी का मेन फंक्शन होता है कि यदि कोई इंसान अल्कोहल पी पी के अपने लीवर को ख़राब कर रखा है तो उसमें ये काफ़ी कारगर होता है। कौन सा? हिमालया लीफ 52 डीएस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हिमालया लीफ 52 भी आता है, आप डीएस के बारे में क्यों बता रहे हैं? लीफ 52 और लीफ 52 डीएस में बस इतना ही अंतर है कि लीफ 52 का डबल जो डोज होता है या डबल स्ट्रॉन्ग जो होता है, ये डबल स्ट्रॉन्ग है। लीफ 52 जो होता है उससे ये डबल स्ट्रॉन्ग होता है। लीफ 52 ये डिस्पर्सल होता है, तो इसलिए इसका जो पावर है वो लीफ 52 से थोड़ा ज़्यादा है। अब वहीं दूसरी तरफ समझते हैं इसके कैपरबुश के बारे में। कैपरबुश क्या करता है? जब भी आप सीबीसी चेक कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एएलटी और एएसटी लेवल के बारे में बताता है। तो एएलटी और एएसटी लेवल जब बढ़ जाता है इंसान के बॉडी में तो उसको कम करना है, तो लीफ 52 डीएस जो टैबलेट है ये बहुत कारगर है। ये एएलटी और एएसटी को इनहिबिट कर देता है और लीवर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। जैसे ये हमारे बॉडी में बढ़ता है तो हमारी जो लीवर की जो काम करने की जो शक्ति होती है ना, वो कम हो जाती है। अब इसमें जो मेन कुछ और इंग्रेडिएंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सब इंग्रेडिएंट इसमें देखने को मिलते हैं। और अब इसके फ़ायदे के बारे में समझते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस काम में किया जाता है। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि लीवर में किसी बार कोई प्रॉब्लम है, जैसे जॉन्डिस हो गया है आपको कभी हिस्ट्री में, या एक महीना पहले आपको जॉन्डिस हुआ था, या आपको भूख नहीं लग रही है, या आपका खाना नहीं पच रहा है, या आपको हमेशा उल्टी जैसा मन रहता है, वोमिटिंग जैसा ढिकार आता है, धुआइन ढिकार जिसे बोलते हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप लीफ 52 डीएस टैबलेट को खा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का भी। ये आपको मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे वो नॉर्मली से ऐसे ही होता है कि इसको खाने से कई लोगों को डिजीनेस जैसा फील होता है, थोड़ा नींद जैसा आता है, थोड़ा सुस्तीपन जैसा लगता है, बट ये कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, बात करते हैं इसे यूज़ करने का, तो इसे यूज़ कैसे करना है और किन्हीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यदि बच्चे 13 साल से कम के हैं तो 13 साल से कम वाले बच्चों के लिए टैबलेट तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता, उनके लिए सिरप आता है, लीफ 52 सिरप आता है। और जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए लीफ 52 ड्रॉप आता है, ये सबसे अच्छा होता है। जो 13 साल से ऊपर हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, यदि उनको यूज़ करना है तो आप स्टार्टिंग में इसे जो कंपनी कहती है, कंपनी तो कहती है कि दो दो टैबलेट आपको सुबह शाम लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद, और टाइम एक फिक्स करना है कि हम 8 से 9 के बीच में ले रहे हैं तो 8 से 9 के बीच में लेना है। ये नहीं कि सुबह ले लिए आज और कल ले लिए दोपहर में, ऐसा नहीं करना है। और यदि आप इसे 15 दिन तक ले लेते हैं, दो दो गोली सुबह शाम, उसके बाद इसे आप एक एक गोली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके डोज हैं, कैसे आपको यूज़ करना है और आपको ये पता चल गया कि हमारे बॉडी में किस तरह से ये काम करता है। ये हमारे जो इंजाइम होता है जो लीवर में एएलटी और एएसटी, इस इंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और इनहिबिट करने से क्या होता है कि जो लीवर की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की जो शक्ति है, वो इंक्रीज कर जाती है। और इस तरह से लीफ 52 जो सिरप है ये काफ़ी कारगर है। भूख लगने में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डाइजेशन में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब इसके इतने सारे यूज़ हैं, जैसे भी मतलब ये हमारे लीवर क्या करता है, लीवर फंक्शन क्या होता है, लीवर फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिसिटी को हटाना, तो एक तरह से ये हमारे लीवर को मजबूत कर रहा है, तो लीवर के सारे फंक्शन को इन्हेंस कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है और अच्छा बना रहा है, तो हमारे बॉडी से जो टॉक्सिसिटी होती है इसे भी निकालने में काफ़ी मदद करता है।
तो ऐसी मेडिसिन रिलेटेड वीडियो के चैनल के साथ बने रहे, और किस मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।